सेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट, कहा राजनीति करने का वक्त नहीं, वीर सपूतों की कुर्बानी का बदला लेने का वक्त है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। सर, आज इंडियन आर्मी के समर्थन के अंदर हम जुलूस निकालने का प्रयास करना चाहते हैं और चाइना के साथ युद्ध में राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है वो हमारी सरहद के अंदर थे, कोई कह रहा है तुम्हारी सरहद के अंदर थे, कोई कह रहा है सरेंडर प्रधानमंत्री। अरे, इस तरह के शब्दों का उच्चारण देश के लिए कितना घातक है, इसके विषय के अंदर हमको विचार करना होगा। और छुप करके सारी बातें हो रही है, देश को सामने दिखाना चाहिए, क्या बताएंगे देश को। उपजिला सुंदरबनी के मेनका में पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सीमांत क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी निशाना बनाकर भारी गोलीबारी कर रहा है, जिससे सीमांत क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा को बताया कि पिछले कुछ दिनों से सीमांत क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने बीडीसी चेयरमैन से मांग करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में बंकर नहीं बने हुए हैं, वहां भी सरकार के उच्च अधिकारियों तक मांग पहुंचाई जाए। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। का मीनका महादेव है, वो सुबह से डिस्टर्ब है। मेरे घर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर सुंदरबनी के एरिया में है, जो बड़े बड़े तोपों के गोलों की आवाज़ जो है वहां तक सुनाई देती है। हमने एक डिसाइड किया, जितने भी मेंबर पंचायत हैं, मेरे साथ नरेश जी पंच हैं, सुनील जी पंच हैं, सचिन जी पंच हैं, मोहन सिंह जी सरपंच हैं, जो वेद प्रकाश जी नैब सरपंच हैं, हमने सोचा कि आप बॉर्डर का दौरा करते हैं। तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ बॉर्डर के एरिया में लोगों के अंदर भारी दहशत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से, जनाब डिप्टी कमिश्नर जोरी से कम यहाँ एक दौरा करें, ताकि लोगों की जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको जो परेशानी है वो कम से कम उनकी परेशानी को उनको ये लगे कि हमारा कम से कम कोई वारिस जो है वो बैठा हुआ है इंतज़ामिया में, हमारा कोई सुनने वाला। सबसे पहले ये है कि मेरा नाम कमर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि फायरिंग तो होती रहती है, कंटिन्यू तब से चल रही है, लेकिन इसमें जो 20 बैंकर आए थे उसमें क्या कि 9 बैंकर का टेंडर था जो हमारे नाम से, मेरे छोटे भाई के नाम से था, वो तो हमने 9 तैयार कर दिए, जिसमें 9 इंडिविजुअल हैं और 2 कम्युनिटी बैंकर थे। जो एक था, जो 11-12 बैंकर थे, बचन सिंह था ठेकेदार, उसको हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई, उसका रिफ्रेश टेंडर ली हुई। आज सीमावर्ती गांव के लोगों का एक शिष्टमंडल रमेश कुंडल की अगुवाई में बिजली विभाग से मिला, जिसमें जकी चक गुर्जर चौक मनिहारी से लगे थे। लोगों ने बताया कि हमारे बिल पर अब 3 महीने के अंतराल के बाद 1,000 से 800 रुपए के हिसाब आ रहे। उन्होंने बिल की कॉपियां भी साथ लिए। मान की बात सुनने के बाद रमेश कुंडल ने सरकार से मांग की, पर सभी ने अपना काम बंद रखने पर, खासतौर पर दुकानदारों ने, उनकी जब उनकी कमाई नहीं हुई तो फिर वह कहां से अदा करेंगे। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। तो आज ये डेपुटेशन हमारा बॉर्डर से आया है यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं कि कईयों का तो हजार हजार रुपए महीने के हिसाब से बिल जो है वो आ रहा है, तो ये सरासर गलत हो रहा है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का काम धंधा जो है वो बिल्कुल बंद है। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में, बड़े बड़े नेता जो हैं या मिनिस्टर लोग अपने संबोधनों में सिर्फ मीडिया में बढ़ने के लिए ये बात अक्सर बोलते हैं कि किराया ना लिया जाए, नौकरी से ना निकाला जाए, कोई भूखा ना सोए, मगर सब कुछ पब्लिक करे। सरकार ने अभी तक मुझे नहीं लगता कोई रियायत लोगों को दी है। कोविड 19 के चलते कटरा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कटरा में शालीमार पार्क में बंद फिलहाल बंद रखा गया, ताकि लोग जहां पर टहलने ना आए। इसी बीच ओम गुप्ता जी ने बताया कि जून महीने में कटरा में हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर यात्री पर्ची हासिल करते थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते थे, परंतु कोविड 19 की वजह से यात्रा पर फिलहाल रोक है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन सरकार से अपील की, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोकल लोगों को माता दर्शन के लिए जाने दिया जाए। के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा वैष्णो देवी के अंदर यात्रा जो है शुरू की जाए,
ताकि कटरा वैष्णो देवी की जितनी दुकानें हैं, जितने होटल्स हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने भी यानी शॉप्स हैं, सभी लोग बेकार हो गए हैं। सभी की दुकानें ताले बजे हैं, कोई किसी का यहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा है। यात्रा चलेगी तभी जाके कटरा वैष्णो देवी के लोगों की दुकानें खुलेंगी, फिर जाके इन लोगों का चूल्हा चलेगा।